आभारी हूं मालगुड़ी के भाई और बहनों, आज आप सब मेरी ये दो बातें सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, फिर भी मुझे ये कहते हुए बहुत ही दुख होता है कि आज हम गुलाम हैं। ऐसी गुलामी जो कभी हमारे देश पर छाई न थी। इस देश की जनसंख्या 3,360 लाख है। सारे यूरोप में से रशिया को अलग करो और देखो हमारा देश उतना बड़ा है। हजारों मील दूर बसा हुआ इंग्लैंड हमारे मद्रास प्रेसिडेंसी जितना बड़ा होगा। वहां राज कौन करता है? सफेद चमड़ी वाले गुंडे। फिर भी अंग्रेज आदमी को देखते ही हमारा सर झुक जाता है। क्यों हम ऐसे नपुंसक क्यों बन गए हैं? इसलिए कि इन फिरंगी लोगों के अनुशासन ने हमें डरा कर, भूखा रखकर, हमारी नम्रता और सभ्यता का फायदा उठाकर हम पर राज किया है। इन अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तान की किसानों और कारीगरों की क्या हालत बनाई है जरा देखिए तो। ढाका में गुंडा जुलाहों के अंगूठे काट दिए। क्यों? इसलिए कि लैंकशायर और मैनचेस्टर में बसे हुए इनके कपड़ों के मिल बंद ना हो। चलो आज हम प्रतिज्ञा लेंगे, लैंकशायर और मैनचेस्टर में बना हुआ कपड़ा हम नहीं पहनेंगे। ढाका के जुलाहों के कटे हुए अंगूठों का बदला हम लेंगे। विदेशी कपड़ों का, विदेशी कपड़ों का, विदेशी कपड़ों का, विदेशी कपड़ों का। हमारे देश में ही बने हुए खद्दर के अलावा हम और कुछ नहीं पहनेंगे। अगर हमें अंग्रेजों को सबक सिखाना है तो सबसे पहले उनकी आर्थिक स्थिरता को नष्ट करना होगा। अगर हम हिंदुस्तानियों ने अहिंसा का प्रण लिया है, मेरे कपड़े कहाँ बने हुए हैं? इसके लिए सारे विश्व, ये तो लैंकाशायर का कपड़ा है, तुझे कैसे मालूम? तूने क्या पहना है? खद्दर, मालगुड़ी में बना हुआ। और क्या तुझे लगता है मैं उन लैंकाशायर के गुंडों को एक भी पैसा दूंगा? कभी नहीं। ए, उसका भाषण सुन। हमारी अहिंसा का फायदा उठाने मत देना। आज मालगुड़ी के सुपुत्र और महान नेता श्री गौरी शंकर जी को अंग्रेजों ने बंबई में गिरफ्तार किया है। आज के इस दिन से हम अपना विरोध शुरू करेंगे। चलो हम इन अंग्रेजों को दिखा दे कि इनका जोर दुम अब हम पर नहीं चलेगा। अपने विदेशी कपड़ों को जला दो, विदेशी राक्षसों के बनाए हुए कपड़ों को जला दो। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। तुम चाहते हो हमारा देश हमेशा गुलाम रहे? नहीं, कभी नहीं। महात्मा गांधी की जय, गौरी शंकर की जय। पर बेटे, तुम्हारी टोपी विदेशी कपड़े की बनी है। क्या? मुझे मालूम नहीं था। खद्दर की जय। मालगुड़ी के लोगों की ताकत को अंग्रेजों ने अभी तक नहीं पहचाना है। हाँ। अगर मालगुड़ी का व्यवसाय बंद हो गया तो इसका असर इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था पर सीधा पड़ेगा, देख लेना। स्कूलों को बंद कर दो, अस्पताल। कहाँ जा रहे हो? वो स्कूल। आज हमारे नेता को जेल भेज दिया है, मालूम नहीं? हाँ, आज सारे स्कूल बंद है, समझे? Oh!
बात सुनो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अपनी अपनी क्लास में बैठ जाओ। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो कड़ी शिक्षा मिलेगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय 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 जय। भाइयों याद रखो, ये हड़ताल का दिन है, भारत के इतिहास में एक और काला दिन। आज हमें सही भावना से शोक करना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा है, अगर हमें अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है अहिंसा, असहकार्य। पर अंग्रेज उनके इस आदेश का गलत फायदा उठा रहे हैं, उसी अहिंसा का डंडा बनाकर हमें मारा जा रहा है। पर अब हम इस गुलामी को नहीं सहेंगे। हाँ, हम अहिंसा के अनुयायी जरूर हैं, पर साथ ही हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम शिवाजी महाराज और राणा प्रताप जैसे वीर मर्दों के मंचक भी हैं। ऐसे वीर जिन्होंने इस धरती की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में हिचक नहीं की। आज के दिन हमें शर्मा जी, शर्मा जी आज भी बोर्ड हाई स्कूल में काम जा रहा है। अच्छा, चलो बोर्ड हाई स्कूल। सुनिए सुनिए भाइयों, आप सब यहीं रहिए, शांत रहिए, हम अंदर जाकर प्रिंसिपल से बात करेंगे। चलिए बोलो भारत माता के, शंकर के, महात्मा गांधी के, भारत माता के, गौरी शंकर की, प्रिंसिपल साहब हम यहाँ दंगा फसाद करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आज के दिन मालगुड़ी में कोई काम ना हो। आप प्रिंसिपल साहब, आप तो पढ़े लिखे हैं, हमारा नेता जेल में है, देश खतरे में है, आप लोग किसकी इजाजत से अंदर आए? मेहरबानी करके बाहर निकल जाइए, नहीं तो मुझे पुलिस को बुलाऊंगा। क्या? सुना भाइयों, पुलिस की बात करता है। मैं तो पुलिस पर थूकूंगा। भाइयों इन्हें सबक सिखाना ही होगा। जाइए, इनका दंड इन्हें मिल चुका है, अब हमारा कर्तव्य है कि यहां से शांतिपूर्वक चले। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, माता की जय, माता की जय, जय शंकर की जय, शंकर की जय। भाइयों शांत हो जाइए, इंग्लैंड में बैठे उन सफेद चमड़ी वालों की जड़ें हिलाने के लिए मेरे साथ जोर से कहिए, अंग्रेजों को हटा देंगे, अंग्रेजों को हटा देंगे, जोर से अंग्रेजों को हटा देंगे, अंग्रेजों को हटा देंगे, हाँ भारत को आजाद करेंगे, भारत को आजाद करेंगे। चलिए चलो चलो चलिए, शांति, मेरे साथ गाइए भाइयों, मेरे साथ गाइए, गुलामों का देश नहीं हमारा, हमारा ध्येय है। उनके पिताजी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, देशद्रोही कहीं का। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, माता की, माता की, महात्मा गांधी की, गौरी शंकर की।
इसी वक्त समाप्त किया जाए। थू महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, भारत माता की, माता की, शंकर की। कुछ नहीं, बंदर कहीं के भागो यहां से। स्वामी घर जाओ। ये डीएसपी कसाई है कसाई। क्यों, क्या हुआ? 50 लोगों को अस्पताल में दाखिल किया है, सबकी हालत नाजुक है, एक दो लोग तो मर भी गए हैं। हे भगवान। सुना है स्कूल के बच्चों ने भी काफी गड़बड़ की। स्वामी तुम क्या कर रहे हैं? हड़ताल थी पिताजी, गड़बड़ी गड़बड़, किसी ने मेरी टोपी छीनकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। किसने छीन ली? पता नहीं, भीड़ थी, कोई गुंडा था। क्यों छीन ली? विदेशी थी ना। किसने कहा विदेशी थी? खादी भंडार से पूरे 4 आने में लाया था मैं, खद्दर की काली टोपी थी वो। तुमने कैसे तय कर लिया कहाँ की है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे ना कहा तो वो मुझे मारने निकला। तुम्हारे कोट का कपड़ा और टोपी मैंने एक ही दिन खद्दर की दुकान से खरीदे थे। अगर कोई कहे कि ये खद्दर नहीं है तो वो अंधा होगा, अंधा। लोग कह रहे थे कि वो लैंकाशायर में बना हुआ कपड़ा। नॉनसेंस, लोग अपना अपना काम क्यों नहीं संभालते? मैं उन विदेशी लंगूरों को एक पैसा नहीं दूंगा, अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य मुझे मालूम है, समझे? और तुम बच्चों को राजनीति के झमेले में पड़ने की क्या जरूरत है? ऐसे ही हमारे देश में झमेले कम है क्या? एक, दो, तीन, चार। अब जो मैं बोर्ड पे लिखूं उसे लिख डालो। कल की हरकत के बाद स्कूल आने की हिम्मत कैसे की तुमने? अब मैं जिन लड़कों के नाम पढ़ूंगा वो सब बेंच पर खड़े हो जाएं। विजय कुमार, एस सोमशेखर, बी नागेश, रुद्र स्वामी, डीएस पिल्लई, डब्ल्यू एस स्वामीनाथन। अब एक के बाद एक मुझे बताओ कल तुम कहां थे? कल मेरे सर में दर्द था। कल डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट ले आना। अब बैठ जाओ। तुम? कल मैं स्कूल आ रहा था, किसी ने कह दिया स्कूल बंद है, इसलिए मैं वापस चला गया। उसने कह दिया और तुमने मान लिया? स्कूल आकर देख जाते, क्यों नहीं आए? ठीक है, 2 रुपए जुर्माना और अटेंडेंस में 10 दिन कम, और सारा दिन बेंच पर खड़े रहो। तुम? सर, कल मेरी दादी मर गई। अच्छा, अपने पिताजी से एक चिट्ठी ले आना। वो तो पहले ही मर गए। तुम्हारे गार्डियन कौन है? मेरी दादी माँ। पर वो तो पहले ही मर गई ना। नहीं नहीं, वो दूसरी दादी माँ है, थी। अच्छा, अपने किसी पड़ोसी से एक चिट्ठी ले आना। मेरे पड़ोसी को पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं यल्लमन रस्ते के पास वाली झोपड़ी में रहता हूँ। ठीक है, कल किसी मास्टर को वहाँ भेज दूंगा मैं। सर, सर, वो मेरे पड़ोसियों को कुछ पता नहीं होगा, मेरी दादी गाँव में थी, वही मरी। तंत्री कुत्ते, 15 दिन के लिए तुम्हें सस्पेंड किया जाता है, निकल जाओ यहां से। Thank you.
और तुम? तुम क्यों नहीं आए? मुंह पर ताला लगा है क्या? मैं नहीं आ सका। अच्छा, पियोन को बुलाओ। सर, हेडमास्टर बुला रहे हैं। आगे सर। बुलाया सर? बताओ, कल इस शैतान ने क्या किया? खिड़की के कांच तोड़ते हुए देखा मैंने इसे। वो भी मेरी खिड़की के? क्या कहना है तुम्हें, हरामजादे? मारिए मत ना सर, दुखता है। शट अप कुत्ता, गधे की तरह चुपचाप खड़े रहो। शकल आई तुम्हारे बेटे को? कोई फायदा नहीं, उसने तो तय कर लिया है कि वो स्कूल में कभी नहीं लौटेगा। ये कैसे चलेगा, 8 दिन हुए गधे की तरह घर में बैठा। किसी दूसरे स्कूल को नहीं भेज सकते उसे? अभी साल के बीच आसान नहीं है लक्ष्मी। कहाँ है वो? स्वामी, 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 यहाँ आओ। सुनो, मैं तुम्हें बोर्ड स्कूल में दाखिल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन याद रखो मालगुड़ी में सिर्फ 2 स्कूल हैं। अगर वहां जाकर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो फिर भेजने को मालगुड़ी में और कोई स्कूल नहीं है, और मैं तुम्हें यूं ही घर में बैठने नहीं दूंगा, समझे? जी पिताजी। जिद्दी गधा, ये तो हद हो गई। हर शिक्षक समझता है कि उसके विषय के अलावा हमें पढ़ने के लिए और कुछ है ही नहीं। इतना होमवर्क देते हैं, ऊपर से ड्रिल, स्काउटिंग, खेलकूद, हमें सांस लेने को भी वक्त नहीं। हाँ, अल्बर्ट मिशन में तो कुछ काम ही नहीं होता था। अच्छा बच्चू, तो अब अल्बर्ट मिशन की याद आ रही है ना? हाँ, तुम सब दोस्तों की याद आती है। राजम कैसा है? अच्छा है, पर अभी तक तुझसे नाराज है। आज मैंने बुलाया था उसे, इनकार कर दिया उसने। और शंकर? 1-2 महीनों में मालगुड़ी छोड़कर चला जाएगा, उसके पिताजी का ट्रांसफर हुआ है ना। और मटर कैसा है? हमेशा की तरह बीमार। मैं जानता हूँ राजम यहाँ क्यों नहीं आया, उसके पिताजी सरकारी नौकर है ना। चल छोड़ना, आज नहीं तो कल दिमाग ठंडा हो जाएगा उसका। चल स्वामी चल, ट्रेन के साथ दौड़ लगाते हैं। चल उठ। 1-2-3